कभी सिंगर बनकर, एक मुस्कान, कभी राइटर बनकर, तो कभी आशिक बनकर स्क्रीन पर नौटंकी की। मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी। फिल्म बधाई हो में परफेक्ट बेटे का रोल प्ले किया। फिल्मी पर्दे पर ब्लाइंड कैरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। और इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर पूजा बनकर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो करना जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी ओन एंड ओनली आयुष्मान खुराना की। 14 सितंबर 1984 के दिन चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान खुराना 35 साल के हो गए हैं। आज आयुष्मान को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के उन स्टार्स में से हैं जो आउटसाइडर होकर भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। नेशनल अवार्ड जीत चुके आयुष्मान खुराना अब इंडिया के ई लिस्टेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। लेकिन आयुष्मान के लिए ये राह बहुत ही मुश्किल रही और उनका स्ट्रगल बहुत ही लंबा रहा। आयुष्मान की सक्सेस के पीछे उनकी फिल्मों की चॉइस होती है। उनकी फिल्में सोशली रिलेवेंट तो होती ही है, साथ ही क्रिटिकली और कॉमर्शियली हिट भी होती है। आयुष्मान खुराना ने अपने करियर की शुरुआत रोडीज से की थी। आयुष्मान रोडीज 2 के विनर थे और काफी पॉपुलर भी हुए थे। इसके बाद आयुष्मान पॉप स्टार रियलिटी शो में भी गए। उसके बाद आयुष्मान रेडियो जॉकी बने। आयुष्मान खुराना को बाद में एमटीवी में वीजे बनने का भी मौका मिला। साथ ही सीरियल्स में भी आयुष्मान नजर आए। धीरे धीरे कर आयुष्मान खुराना के करियर ने यू टर्न लिया। आयुष्मान खुराना को विकी डॉनर नाम की फिल्म ऑफर हुई, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया और फिल्म काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद आयुष्मान नहीं रुके। बधाई हो आर्टिकल 15, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बरेली की बर्फी से लेकर कई हिट फिल्में आयुष्मान खुराना ने अपने नाम किया है। फिल्म बधाई हो और अंधाधुन के लिए आयुष्मान की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इस फिल्म को क्रिटिकली खूब पसंद भी किया गया और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित रही। खास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला है। अंधाधुन में एक्टिंग के लिए आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। और अब आयुष्मान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ड्रीम गर्ल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने रिलीज के दिन काफी अच्छा कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म आयुष्मान की करियर की टॉप ओपनर वाली फिल्म बन गई है। ड्रीम गर्ल में आयुष्मान ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जो लड़की की आवाज में बात कर सकता है। फिल्म में पूजा का किरदार आपका दिल जीत लेगी। साथ ही आयुष्मान लगातार दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। आज आयुष्मान के जन्मदिन के अवसर पर R9 की टीम की तरफ से उन्हें ढेरों बधाइयां। एंटरटेनमेंट डेस्क से पूजा दुबे की रिपोर्ट।